नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 21 सितंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में 11,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। पंचायत चुनाव में किसी भी जिले में नहीं होगी फोर्स की कमी। बिहार में टीकाकरण 5 करोड़ के पहुंचा पार। बिहार प्रथम इंटर लेवल संयुक्त प्रतियोगिता मुख्य परीक्षा के लिए शुरू हुई आवेदन की प्रक्रिया। झारखंड सीएम के बयान पर बिहार सीएम ने दिया जवाब। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में 11,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। बिहार में इन दिनों छठे चरण के शिक्षक नियोजन में दूसरे चरण की बची काउंसलिंग कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है। इसको लेकर अभी से पहले भी शिक्षा विभाग ने पंचायती राज विभाग से मार्गदर्शन की मांग की थी। पंचायती राज विभाग ने इस बाबत अपना आकलन भी जारी कर दिया है और साफ किया है कि परामर्शदात्री समिति पहले की तरह सक्रिय है, इसलिए काउंसलिंग कराई जा सकती है। ये बात और है कि पंचायती राज विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग से इस मुद्दे पर राय लेने की सलाह दी है, जिसको बीते दिन पंचायती राज विभाग काउंसलिंग के संबंध में लिखित राय शिक्षा विभाग को सौंप दी गई है। जानकारों का कहना है कि इस संबंध में आयोग का रुख सकारात्मक ही रहेगा, क्योंकि नियोजन की प्रक्रिया काफी समय से चल रही है। बेगूसराय के सैनिक ने बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड। बिहार के एक सैनिक ने हाल ही में एक अनोखा विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसको लेकर बेगूसराय जिले के बछवाड़ा गांव निवासी भारतीय सेना के हवलदार शंभू कुमार ने 1:23.4 तक ब्रास बैंड बजाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। इस बाबत शंभू कुमार ने बताया कि इससे पहले साल 2006 में ब्रिटेन सेना के इंग्लैंड पैराशूट रेजिमेंट में कार्यरत हवलदार ने 1:13 तक ब्रास बैंड बिगुल बजाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। इससे पहले दिसंबर 2020 में शंभू कुमार ने लगातार 70 सेकंड तक शंख बजाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम अपना दर्ज करवाया है। जेईई मेन में उत्तीर्ण इन लोगों को मिल सकता है एनआईटी पटना। जेईई मेन 2021 के चारों सेशन के रिजल्ट के साथ साथ रैंक कार्ड भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी कर दिया है। टॉप 2.50 लाख स्टूडेंट जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई हुए हैं। इसके साथ ही छात्र जेईई एडवांस के लिए 20 सितंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। ज्ञात हो ये परीक्षा 3 अक्टूबर को होगी। एडवांस का रिजल्ट जारी होने के बाद ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी काउंसिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करेगी। ऑल इंडिया रैंक 20 से 30,000 तक लाने वाले स्टूडेंट को टॉप 10 एनआईटी के अन्य ब्रांचों के अतिरिक्त पटना, रायपुर, सिलचर, उत्तराखंड, श्रीनगर, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश जैसे एनआईटी की कोर ब्रांचों के साथ साथ नए ट्रिपल आईटी जैसे तिरछी, नागपुर, पुणे, सूरत, भोपाल, वडोदरा, लखनऊ, रांची, गुवाहाटी आदि मिलने की संभावना है। दिखने लगा कोहरा। सूबे में मॉनसून अब अपने आखिरी चरण में पहुंच गया है। कई जिलों में सुबह की शुरुआत कोहरे से देखने को मिली। दक्षिण बिहार के कई जिलों में अहले सुबह धुंध का नजारा बीते दिन देखने को मिला। ये नजारा शहरों के साथ ही साथ गांव में भी दिखा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि वातावरण में फिलहाल अधिक नमी है, जिससे सुबह के तापमान में गिरावट आने लगी है। मॉनसून अपने अंतिम चरण में है। हालांकि दिन का तापमान बढ़ने पर बारिश की स्थितियां बरकरार रहेंगी। साथ ही मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार अक्टूबर के अंत तक कोहरे का असर दिख सकता है। इसके साथ ही कई जिलों में बारिश को लेकर के भी फिलहाल अलर्ट जारी किया गया है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड में 450 अप्रेंटिस पदों पर निकाली गई रिक्तियां। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 संशोधन 2014 के तहत स्नातक और टेक्नीशियन अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन की मांग की है। इस भर्ती के तहत चयनित अभ्यर्थियों को माइनिंग और माइन सर्वे के लिए 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा। SECL की इस भर्ती में इंजीनियरिंग, माइनिंग या माइन सर्वेइंग में डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। SECL भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार अभ्यर्थी MHRDNATS.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की लास्ट डेट 5 अक्टूबर तय की गई है। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने वैद्यनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। बाबा वैद्यनाथ मंदिर का दरवाजा भक्तों के लिए खोल दिया गया है, जो कि 18 तारीख से ही श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है, जिसके बाद श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। इसी बीच बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने भादो पूर्णिमा के पावन दिन बाबा वैद्यनाथ की पूजा की, जिसके बाद राज्यपाल ने बहुत जोर देने पर मीडिया से सिर्फ इतना कहा कि वो बाबा की पूजा करने आए थे और मन की बात जानते हैं, फिर हाथ जोड़ते हुए मंदिर में प्रस्थान कर गए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बाबा वैद्यनाथ की पूजा के लिए बिहार के राज्यपाल हेलीकॉप्टर से पटना से देवघर पहुंचे थे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं व्यापक सुरक्षा के बीच फागू चौहान मंदिर पहुंचे थे।
के स्वास्थ्य मंत्री ने जताई देश की चिंता। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पड़ोसी देशों से मिल रहे पोलियो मरीज को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि पोलियो को लेकर भारत सरकार चिंतित है और सजग है। विश्व में कहीं भी पोलियो का एक भी मरीज अगर पाया गया तो इससे पोलियो वायरस के पुनः आने की संभावना बढ़ जाएगी। भारत में भी पोलियो फिर से पांव नहीं पसारे, इसको लेकर भारत सरकार के निर्देश पर अनुराष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के तहत राज्य में 26 सितंबर से 30 सितंबर तक पल्स पोलियो अभियान चलाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हालांकि अभियान के दौरान दूरदराज के क्षेत्र बांसा, ईट भट्टा, प्रवासी और भ्रमणशील आबादी वाले क्षेत्रों के बच्चे पोलियो की खुराक लेने से वंचित नहीं रहे, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष निगरानी दल का गठन भी किया गया है। सीएम नीतीश ने सुनी जनता की फरियाद। बीते दिन एक बार फिर से सीएम नीतीश ने जनता के दरबार में फरियादियों की फरियाद सुनी। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पंचायती राज विभाग, ऊर्जा विभाग, पथ निर्माण विभाग, कृषि विभाग, पीएचईडी विभाग, सहकारिता विभाग, उद्योग विभाग, गन्ना उद्योग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण विभाग, परिवहन विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, पर्यटन विभाग समेत सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़े मामलों की सुनवाई की, जहां सीएम ने सभी की फरियाद सुनी और संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान निकालने की बात कही है। बिहार में बीटीएससी के 15,000 से अधिक पदों पर फंसा नियुक्ति का मामला। बिहार में बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अभ्यर्थी काफी परेशान चल रहे हैं, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर राज्य के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों के खाली पड़े पदों को भरने का आदेश जारी हुआ था, जो कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से करना था। जानकारों की माने तो तकनीकी सेवा आयोग में अध्यक्ष का पद अगस्त से खाली पड़ा था, इसकी वजह से नियुक्ति प्रक्रिया रुक गई थी। अब तकनीकी आयोग के नए अध्यक्ष की जिम्मेवारी बाला मुर्गन डी को दी गई है, जिसके तहत ही राज्य के मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी के तहत 3,704 पदों पर नियुक्ति होनी थी। इसके अलावा मेडिकल ऑफिसर के 2,332, साथ ही आईजीआईसी में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की नियुक्ति होनी है। पंचायत चुनाव में किसी भी जिले में नहीं होगी फोर्स की कमी। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं। कुछ ही दिनों में पहले चरण के मतदान की प्रक्रिया होने वाली है। इन सब के बीच पंचायत चुनाव को लेकर एक और बड़ी जानकारी निकल कर के सामने आई है, जिसके तहत आयोग ने पंचायत चुनाव के दौरान फोर्स की कमी नहीं होने की बात कही है। इसको लेकर आयोग ने साफ कहा है कि जरूरत के मुताबिक जिला पुलिस के अफसर और सशस्त्र बल की अंतर जिला प्रतिनियुक्ति की जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने इसका आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के बाद पंचायत चुनाव के लिए जरूरत के मुताबिक एक जिले के बल को दूसरे जिले के प्रतिनियुक्त करने का रास्ता भी साफ हो गया है। आयोग ने यह भी कहा है कि पंचायत चुनाव में बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और जवान की जरूरत पड़ेगी, इसी को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है। बेल्ट्रॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर के अभ्यर्थियों ने भाजपा कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। बीते दिन बेल्ट्रॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर की परीक्षा पास अभ्यर्थी, जिन्हें नियुक्ति नहीं मिल रही है, उन्होंने भाजपा के सहयोग कार्यक्रम में पहुंचकर जमकर बवाल काटा। जानकारों की माने तो ये अभ्यर्थी पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी से मिलने की मांग कर रहे थे, लेकिन इन लोगों को मंत्री जी से मुलाकात नहीं करने दिया गया, पर इन अभ्यर्थियों ने भाजपा कार्यालय के बाहर ही प्रदर्शन किया और नारे भी लगाए। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा दिए 2 साल हो गए हैं, ऑफर लेटर भी आ गया है, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं मिल रही है, इसको लेकर ही आक्रोश है। वहीं कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि नियुक्ति मिल रही है, लेकिन इसकी रफ्तार धीमी है। अभी तक मात्र 2500 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई है। बिहार में मोबाइल टावर के लिए केवल 28 को ही मिला एनओसी। बिहार में मोबाइल टावर लगाने और ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के आवेदनों को लंबित रखने के मामले काफी ज्यादा सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर नगर विकास और आवास विभाग ने सख्त आपत्ति जताई है। इस बाबत राज्य भर में मोबाइल टावर लगाने और ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के 4,773 आवेदन आ गए हैं, जिसमें महज 28 को ही एनओसी मिली है और करीब 90-95% ऑनलाइन आवेदन निकायों में अफसरों के पास लंबित है, जिसको लेकर नगर पालिका प्रशासन निदेशालय ने सभी नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी और प्रखंड विकास अधिकारी को पत्र लिखकर लंबित आवेदन पर अविलंब कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। बिहार में टीकाकरण 5 करोड़ के पहुंचा पार। बिहार में टीकाकरण अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। इन सब के बीच बिहार में टीकाकरण का नया आंकड़ा सामने आया है, जिसके तहत बिहार में टीकाकरण 5 करोड़ के पार हो गया है, जिसके बाद अगर आपने अब तक टीका लेने का काम नहीं किया है तो जल्दी करें, क्योंकि बिहार में 6 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य जल्द ही पूरा होने वाला है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार दोपहर 12 बजे तक बिहार में 5,01,75,261 लोगों ने टीकाकरण कराया है, जिसमें 4,08,04,248 लोगों ने पहली और 93,71,013 ने दूसरी डोज लगवाई है। पटना में अक्टूबर से शुरू होगा जनसेवा केंद्र। अक्टूबर के पहले सप्ताह से अलग अलग तरह के प्रमाण पत्र मिलने की सुविधा पटना में शुरू होने वाली है, क्योंकि शहर में जल्द ही जनसेवा केंद्र बनकर तैयार हो जाएगा। इसके लिए अंतिम तैयारी चल रही है। मिली जानकारी के अनुसार जनसुविधा केंद्र के भवन बनकर तैयार हो चुका है, जिसमें तकनीकी सामान के साथ अन्य तैयारियां की जा रही है। जानकारी के अनुसार जनसेवा केंद्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री के हाथों होने की संभावना है, जिससे आम नागरिकों को काफी सहूलियत मिलेगी, जिसके तहत जनसेवा केंद्र से आधार कार्ड, आवास प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, होल्डिंग टैक्स
टैक्स, कचरा शुल्क, ट्रेड लाइसेंस शुल्क का भुगतान, पैन कार्ड आदि सुविधाएं अब आसानी से मिलने वाली है। झारखंड सीएम के बयान पर बिहार सीएम ने दिया जवाब। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की मगही और भोजपुरी वाले बयान का जवाब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन दिया। पटना में बीते दिन आयोजित जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि झारखंड और बिहार भाई भाई हैं, हम तो झारखंड वालों को अपना ही मानते हैं। नीतीश ने कहा, अगर किसी को इससे राजनीतिक लाभ होता है तो वो ले सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कुछ ही दिनों पहले हेमंत सोरेन ने अपना बयान जारी करते हुए कहा था कि भोजपुरी और मगही बिहार की भाषा है, झारखंड की नहीं। झारखंड का बिहारीकरण हो रहा है, महिलाओं की भोजपुरी भाषा में ही की जाती है, जिसके बाद से ही उनके इस बयान पर बवाल शुरू हुआ। सरकारी स्कूल में अफसरों के बच्चों के नहीं पढ़ने के मामले में जारी हुई रिपोर्ट। बिहार में सरकारी स्कूल की व्यवस्था बदहाल बताई जाती रही है। यही कारण है कि पटना हाईकोर्ट ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों से सरकारी स्कूल में सरकारी अधिकारियों के बच्चों के पढ़ने की जानकारी मांगी थी, जिसकी जानकारी अब सामने आ गई है, क्योंकि सरकारी स्कूल में अफसरों के बच्चों के पढ़ने की सूची तैयार हो गई है। इस बाबत जिला शिक्षा कार्यालय ने सभी स्कूलों से रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट के अनुसार जिले के किसी भी स्कूल में सरकारी अधिकारियों के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। करीब 1005 स्कूल ऐसे हैं जहां चतुर्थ वर्गीय और तृतीय वर्गीय कर्मियों के बच्चे ही पढ़ते हैं। वहीं इस मुद्दे पर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रवक्ता प्रेमचंद्र ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि ज्यादातर वर्तमान अधिकारियों की प्राथमिक शिक्षा सरकारी स्कूल से ही हुई है। बिहार प्रथम इंटर लेवल संयुक्त प्रतियोगिता मुख्य परीक्षा के लिए शुरू हुई आवेदन की प्रक्रिया। बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा 2014 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने प्रथम इंटर लेवल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 की मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने का एक और मौका मिला है। इस बाबत अभ्यर्थी वेबसाइट ऑनलाइन bssc.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद अब बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा 2014 के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 सितंबर से शुरू हो चुकी है, जो कि 4 अक्टूबर 2021 तक जारी रहेगी। इस बाबत कर्मचारी चयन आयोग ने कहा है कि अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि विज्ञापन की सभी शर्तों पर प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ही निर्धारित तारीख यानी कि 4 अक्टूबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन भरे। फाइलेरिया के खिलाफ शुरू हुआ अभियान। बिहार में कोरोना के माहौल के बीच फाइलेरिया के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया गया है। इसको लेकर बीते दिन राजधानी पटना में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम की शुरुआत की, जो कि चरणवार की जाएगी। पहले चरण में एमडीए यानी कि मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान प्रदेश के 22 जिलों में शुरू होगा और ये 15 दिनों तक जारी रहेगा। पहले चरण के तहत आशा कार्यकर्ता इन 22 जिलों में घर घर जाकर सभी व्यक्ति को एंटी फाइलेरिया दवाई डीईसी और एल्बेंडाजोल की गोली अपने सामने खिलाएंगी। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने साफ कहा है कि राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का अभियान राज्य के 22 जिलों में शुरू किया गया है। इस अभियान का मकसद है समाज को फाइलेरिया से मुक्त करना। भाजपा पीएम नरेंद्र मोदी को भेजेगी 50 लाख पोस्ट कार्ड। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 20 साल पूरे करने के मौके पर बिहार प्रदेश भाजपा जश्न मना रही है। इसको लेकर बीते दिन पटना में पार्टी की तरफ से वृक्षारोपण किया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद मोदी पोस्ट कार्ड भेजा गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री को राज्य के कोने कोने से 50 लाख से अधिक पोस्ट कार्ड भेजे जाएंगे। इस अभियान की शुरुआत बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने की है, जिन्होंने सबसे प्रधानमंत्री को पटना जीपीओ से पोस्ट कार्ड भेजने का काम किया है। वहीं पार्टी प्रधानमंत्री के जन्मदिवस को लेकर और समर्पण के रूप में मनाने का निर्णय ले चुकी है, जिसके बाद अलग अलग कार्यक्रम तय किए गए हैं। इसके साथ ही भाजपा 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती भी मनाने वाली है। मिलने दिया गया तो धरने पर बैठे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष। बीते दिन सीएम नीतीश के जनता दरबार में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामजतन सिन्हा धरने पर बैठ गए। ज्ञात हो रामजतन सिन्हा जनता दरबार में जाना चाहते थे, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें नहीं जाने दिया, क्योंकि सुरक्षाकर्मियों ने साफ कहा कि आप ऑनलाइन दरख्वास्त देकर ही जनता दरबार में जा सकते हैं, ऐसे आप नहीं जा सकते। इस पर वो आग बबूला हो गए और वहीं धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि ये जो जगह है वो पूरी तरह से वीआईपी जोन है, यहां धरना प्रदर्शन अवैध माना जाता है। इनकी शिकायत है कि भारत स्काउट एंड गाइड के परिसर में अवैध कब्जा हो गया है, जिसमें उन्होंने पटना डीएम की संलिप्तता होने की बात भी कही है। हेमंत सोरेन और तेजस्वी की मुलाकात पर सुशील मोदी ने कसा तंज। हाल ही में राजद को मजबूत करने के लिए तेजस्वी झारखंड दौरे पर गए थे, जहां पहुंचकर उन्होंने झारखंड सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात भी की थी। इस बाबत अब बिहार में सियासी सुगबुगाहट बढ़ गई है, जिसके तहत ही इन दोनों नेताओं की मुलाकात पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की भाषा का अपमान करने वालों के साथ मिल रहे हैं। करीब 5 दिन पहले हेमंत सोरेन के दिए बयान पर सुशील मोदी ने राजद और लालू प्रसाद से जवाब मांगा था। तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी की तरफ से झारखंड सीएम के बयान पर तब राजद ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी और अब ये मुलाकात हो रही है।
भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। बहादुर शाह द्वितीय ने 1857 में अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। माय वीकली रीडर मैगजीन की शुरुआत 1928 में आज ही के दिन हुई। प्रसिद्ध भारतीय तैराक मिहिर सेन ने 1966 में आज ही के दिन बॉस्फोरस की खाड़ी को पार करके एक और कीर्तिमान अपने नाम किया। भारत और ब्रिटेन के बीच बेहतर संबंध के लिए लिबरल डेमोक्रेटिक फ्रेंड्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 2000 में हुई। भाजपा आलाकमान ने 2009 में महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। भारतीय फिल्म अभिनेत्री करीना कपूर का जन्म 1980 में आज ही के दिन हुआ था। प्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका नूरजहां का जन्म 1926 में आज ही के दिन हुआ था, जिन्होंने भारतीय और पाकिस्तानी सिनेमा में काम किया है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और सांसद अमरनाथ विद्यालंकार का निधन 1985 में आज ही के दिन हुआ था। आज आईपीएल के 14वें सीजन में भिड़ेगी पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स। आईपीएल 2021 का 32वां मैच पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन का 32वां मैच पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगा। पंजाब किंग्स 8 में से 3 मैच जीतकर अंक तालिका में छठे स्थान पर है, वहीं राजस्थान 7 में से 3 मैच जीतकर 5वें नंबर पर है। राजस्थान टीम के सामने बचे हुए मैच में जीत हासिल कर प्लेऑफ में जगह बनाने की संभावना है, वहीं पंजाब टीम के लिए यह राह थोड़ी मुश्किल नजर आ रही है। साथ ही राजस्थान टीम ने T20 फॉर्मेट के नंबर 1 गेंदबाज तबरेज शमसी को स्क्वाड में शामिल किया है। से जल्द ही जुड़ेंगे फ्री टीवी और लाइव चैनल। गूगल की तरफ से फ्री टीवी और लाइव चैनल को अपने प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा सकता है। गूगल टीवी एक एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्ट टीवी प्लेटफॉर्म है जो कि चुनिंदा स्मार्ट टीवी जैसे सोनी, TCL और क्रोमकास्ट रन करता है। गूगल टीवी पर पहले ही कई सारे स्ट्रीमिंग एप्स जैसे डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स का सपोर्ट दिया जाता था, लेकिन अब गूगल की तरफ से गूगल टीवी में कई नए फ्री टीवी चैनल को ऐड करने की दिशा में काम किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक गूगल कई कंपनियों और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ संपर्क में है जिसे टेलीविजन स्ट्रीमिंग चैनल को गूगल टीवी से जोड़ा जा सकेगा। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 20 सितंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 44,530 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,670 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 60,000 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 103.79 रुपए प्रति लीटर और डीजल 94.55 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मंजीत पांडे, पप्पू कुमार, रामू कुमार, महेश कुमार, मुकेश झा, सनी कुमार, मनीष मोहरा, राजू मंडल, नुन्नू कुमार, आभा कुमारी, संतोष कुमार, मिथिलेश कुमार सिंह, धर्मेंद्र कुमार, श्रवण यादव, कृतिका गुप्ता, पप्पू साहू, अरविंद कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार सरकारी स्कूल की बदहाल हो रही शिक्षा व्यवस्था का अहम कारण क्या हो सकता है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।